भारतीय लोगों में दुबई जाने का एक अलग ही उत्साह होता है। कुछ लोग घूमने जाते हैं तो कुछ लोग कमाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुबई कहाँ है या दुबई किस देश में आती है? यदि नहीं तो जान लें, अरब रेगिस्तान के बीच में बसा दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई का एक आलिशान और शानदार शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी यहीं पर स्थित है। यदि आप भी इस शानदार शहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं दुबई जाने के लिए वीजा कैसे मिलता है, दुबई का वीजा कितने का है, दुबई जाने के लिए क्या क्या लगता है इत्यादि, दुबई कैसे जाएं। भारत से दुबई जाने के लिए हवाई यात्रा सबसे बेहतरीन तरीका है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और यूएई का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी है, जहां यात्रियों के लिए बहुत सुविधाएं प्रदान की जाती है। भारत से आप डायरेक्ट दुबई के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। कई भारतीय शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद आदि जगहों से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। भारत से दुबई की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। अब दुबई जाने के लिए वीज़ा कैसे मिलता है? दुबई का वीज़ा लेने के लिए आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दुबई वीज़ा वेबसाइट पर आपको एक फॉर्म भरना होगा और आप 2 घंटे में वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा वीज़ा आपको चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा इत्यादि। दुबई वीज़ा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं? क्या आप जानते हैं दुबई जाने के लिए क्या क्या लगता है? दुबई वीज़ा के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। नंबर 1, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। नंबर 2, वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 3, फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग का प्रमाण। नंबर 4, यात्रा के बारे में विवरण। नंबर 5, पते का प्रमाण। दुबई वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप वीज़ा के सभी मानकों को पूरा करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट को जोड़ें, शुल्क जमा करें। प्रस्थान से पहले दुबई के लिए ई वीज़ा प्राप्त किया जा सकता है। यात्रियों के पास मुद्रित ई वीज़ा पुष्टि होनी चाहिए। दुबई का वीज़ा कितने का है? भारतीय नागरिकों को दुबई जाने के लिए वीज़ा शुल्क देनी होती है। दुबई वीज़ा शुल्क भारतीयों के लिए 6,000 रुपये से 7,000 रुपये के बीच होती है। आपको बता दें कि दुबई का वीज़ा शुल्क एक निश्चित अवधि के लिए होती है। यदि आप उस निश्चित अवधि से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो आपको वीज़ा शुल्क इससे ज़्यादा देनी होगी। आगे और भी जानकारी है, पर उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा कि आपका टोटल कितना खर्चा लगेगा दुबई जाने में और वीज़ा कितने प्रकार का होता है। साथ ही दुबई जाने के बाद खुदा ना करे कि अगर आपके साथ कुछ घटना हो तो उससे कैसे निपटे, ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और दूसरा भाग देखें। भगवान और अल्लाह आपकी हिफाजत करे। धन्यवाद।